हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिशिर ओवर हियर फ्रॉम SM23 और आज मैंने ये वीडियो बनाया है एप्पल इवेंट में लॉन्च करे गए प्रोडक्ट्स के ऊपर। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँ तो मुझे इस इवेंट से बहुत सारी उम्मीदें थी, पर सच बताऊँ तो इवेंट देखने के बाद मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। शायद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट इसलिए भी हुआ क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एप्पल एक बजट फ्रेंडली मैक लॉन्च करेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूमर्स सुने थे, बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड। खैर, वैसे तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को आईफोन XS, XS मैक्स और XR की इंडियन प्राइसिंग के बारे में पता चल ही गया होगा, क्योंकि इस इवेंट के बाद तो जैसे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब सा आया था। पर फिर भी जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए ये रही इंडियन प्राइसिंग। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एप्पल ने अब काफ़ी सारे अपने पुराने मॉडल्स में भी प्राइस कट किया है। अगर इसको आप शांति से स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर इस प्राइसिंग को आप ध्यान से देखें तो जैसे बजट फ्रेंडली कैटेगरी में हर एक 1000 रुपये के डिफरेंस में आपको एक नया फ़ोन देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह 40,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 1,45,000 रुपीज तक आपको कोई ना कोई आईफोन ज़रूर केटर करेगा। एप्पल ने आईफोन की कॉस्टिंग कुछ इस तरीके से प्लान करी है कि अगर आप अपने बजट से 10,000 रुपये ज़्यादा खर्चने के लिए, स्पेंड करने के लिए रेडी हो, तो आपको एक नया आईफोन का मॉडल अवेलेबल हो सकता है। मेरे हिसाब से एप्पल ने अपने आईफोन XR की प्राइसिंग ₹77,000 रखकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि आईफोन X जो 2017 मॉडल है वो आज भी एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। और ये फ़ोन अच्छा है उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज मैं इस फ़ोन को पिछले 6 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही खुश हूँ। इसमें जो A11 चिप यूज़ की गई है वो बहुत ही फास्ट है, और XR में जो A12 चिप यूज़ की गई है वो तो इससे भी फास्ट है। पर क्या A11 चिप में मुझे आईफोन X स्लो लगता है? बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें आपको आईफोन X कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलने के बाद शायद 81,000 to 85,000 में या फिर उससे भी कम में मिल सकता है। एंड डोंट फॉरगेट, आईफोन X में एमुलेट पैनल यूज़ किया गया है, जबकि आईफोन XR में LCD पैनल यूज़ किया गया है, जो आपको यूट्यूब पे 1080 रेजोल्यूशन में बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा। और इसीलिए XR की बड़ी स्क्रीन और थोड़ा बहुत कम रेट होने के बावजूद वो आईफोन X से एक वीक फोन है। एंड माई फ्रेंड, एप्पल के जो स्ट्रेटेजिस्ट है दे डेफिनेटली नो दिस थिंग्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एप्पल का एक मास्टर स्ट्रोक है आईफोन X का सेल जो अब तक वीक चल रहा था उसको बढ़ाने के लिए। तो ये तो था मेरा ऑब्जर्वेशन एप्पल के नए आईफोन की इंडिया की प्राइसिंग को लेकर। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। बाय द वे, एक फ्री की एडवाइस दू तो आप में से जो भी लोग 1,45,000 रुपीज वाला आईफोन XS मैक्स जो लेने वाले हैं, वो अपने साथ एक तिजोरी या लॉकर भी खरीद ले, क्योंकि आई एम श्योर इस फोन को आप अपने पॉकेट में रख के तो घूमोगे नहीं।